अब हम बात करते हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर की, जिसे LFO भी कहते हैं, जो कि 1970 में जनरल याया ने दिया। जनरल याया, द प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, अनाउंस अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर टू होल्ड जनरल इलेक्शंस। इसका मतलब ये था कि ये LFO यानी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत इलेक्शंस करवाए जाएंगे 1970 में। इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के कुछ पेचीदा या कुछ चीदा मकासद हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। पहला तो ये कि द नेशनल असम्बली वुड बी इलेक्टेड फॉर टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, इट वुड बी कंपोज ऑफ 300 सीट्स। यानी नेशनल असम्बली को 5 साल की मुद्दत के लिए रखा जाएगा और इसकी सीट्स की तादाद 300 होगी। वोटर्स और इलेक्शन में खड़े हुए लोगों के लिए एक उम्र भी मुकर्रर की गई थी। मैन के लिए 25 ईयर्स जबकि वुमेन के लिए 21 ईयर रिस्पेक्टिवली करार दी गई थी उम्र, यानी इससे ज़्यादा उम्र के लोग या इस उम्र के लोग इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं या वोट डाल सकते हैं। एक और पॉइंट इसमें यह था कि 5 अक्टूबर 1970 को नेशनल असम्बली के जबकि 22 अक्टूबर 1970 को प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शंस करवाए जाएंगे। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में जो अगला पॉइंट था वो ये था कि फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट वुड बी इंट्रोड्यूस इन द कंट्री एंड सिटीजन्स वुड एंजॉय ऑल फंडामेंटल राइट्स। यानी फेडरल इंस्टीट्यूट या फेडरल सिस्टम एक्नॉलेज किया जाएगा और वो इस मुल्क में चलाया जाएगा और तमाम सिटीजन्स को इक्वल राइट हासिल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इस LFO में था कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर्स वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड प्रोविंशियल ऑटोनमी वुड बी फुली प्रोटेक्टेड। यानी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रोविजंस में और हर किसी को या हर किसी की ऑटोनमी को फुली प्रोटेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट इसका पॉइंट था कि द इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम ऑफ जुडिशरी वुड बी फुली ऑनर्ड। यानी अदलिया के वकार को बहाल किया जाएगा और उनकी आज़ादाना सोच को बरकरार रखा जाएगा। अदलिया किसी भी किस्म के दबाव में नहीं आएगी और इंडिपेंडेंटली काम करेगी। एक और पॉइंट ये था कि इस्लामिक आइडियोलॉजी वुड बी प्रैक्टिस्ड एंड ओनली अ मुस्लिम कुड बिकम द हेड ऑफ स्टेट। यानी इस्लामिक आइडियोलॉजी को या इस्लामी तालीमात को प्रैक्टिस किया जाएगा और सिर्फ एक मुस्लिम ही हेड ऑफ द स्टेट यानी प्रेसिडेंट लग सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो LFO में रखा गया था वो ये था कि नेशनल असेंबली वुड डिसाइड ऑल द इश्यूज विद सिंपल मेजॉरिटी एंड कोरम वुड कंसिस्ट ऑफ 100 मेंबर्स। द मेंबर्स ऑफ द असेंबली वुड एंजॉय कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नो लीगल एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट मेंबर ऑफ द असेंबलीज ऑन एनीथिंग एक्सपेक्ट इन द असेंबलीज। यानी असेंबलीज में उनको फुली इस बात की गारंटी दी गई थी कि वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट ये कि पाकिस्तान वुड बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड द कंप्लीट नेम ऑफ कंट्री वुड बी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। नेशनल सिक्योरिटी वुड बी प्रोटेक्टेड एंड नो सच थिंग विल बी अलाउड एज कुड डैमेज पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी। यानी किसी ऐसी चीज़ को अलाउ नहीं किया जाएगा जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को डैमेज करे। कुछ पॉलिसीज़ फ्यूचर के लिए भी रखी गई थी जिसमें इस्लामी तालीमात का जिक्र किया गया था। उसमें यह रखा गया था कि प्रोटेक्शन ऑफ इस्लामिक वेज ऑफ लिविंग या प्रमोशन ऑफ इस्लामिक वेज ऑफ लिविंग और टू प्रैक्टिस द मॉरल टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, टू टेक स्टेप्स टू प्रमोट इस्लामिक प्रिंसिपल इन द कंट्री एंड टू मेक अरेंजमेंट्स टू प्रोवाइड द एजुकेशन ऑफ कुरान एंड इस्लामियात टू द मुस्लिम। ये सब पॉइंट्स रखे गए थे LFO में और इनकी बेसिस पे इलेक्शंस करवाए गए थे 1970 में, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।